वैश्विक संदर्भ में भारतीय दर्शन, भारतीय समाज और भारतीय विद्याओं के मनीषी एवं चिंतक डॉक्टर करण सिंह जी, भारतीय शिक्षण समुदाय के चेयरमैन माननीय श्री परीक्षित भाई, ट्रस्टी मंदाबेन परी भाई और बहनों, आचार विचार और प्रसार का आज मैं मानता हूं कि एक संगम तीर्थ हुआ है। सिर्फ 14 साल की उम्र में महात्मा गांधी की स्वातंत्र प्राप्ति के आंदोलन के सक्रिय रूप में संलग्न होने के बाद श्री रामलाल भाई परीख की स्मृति में और उन्होंने जो कार्य किया उसकी स्मृति में ये व्याख्यान माला चल रही है। गांधी शिक्षण और गांधी विचार के वो बड़े प्रवक्ता थे और गुजरात विद्यापीठ से जो गांधी विचार की हवा चली उसको सारे विश्व में प्रसारित करने का श्री रामलाल भाई परीख को जाता है और उन्होंने सारे विश्व को महात्मा गांधी की विचारधारा से लेकर सर्वोदय की विचारधारा तक की बात बताई। अपनी अप्रतिम सिद्धियों की ओर आदर प्रकट करते हुए हमारे प्रबुद्ध चिंतक डॉक्टर करण सिंह ने अपने व्याख्यान में वर्तमान विश्व में ज्ञान योग, कर्मयोग, सहयोग और आत्मयोग कैसे आवश्यक है इसके बारे में बात की और इस संदर्भ में फोर पिलर्स ऑफ एजुकेशन जो उन्होंने बताया, ये चार पिलर्स बताए उन्होंने, इसकी बात की। आज मुझे उत्तर अफ्रीका के सेनेगल देश के कवि सेम्बेले ओस्मानी की फिंगर्स नाम की काव्य की स्मृति आती है। उसने कहा, द फिंगर्स ऑफ अ सोल्जर अक्रॉस द रिवर्स एंड लैंग्वेजेस ऑफ यूरोप एंड एशिया, ऑफ चाइना एंड अफ्रीका, of India and the oceans, let us join our fingers to take away all the power of their fingers which keep humanity in bondage. जो मानवता को परेशान करती है, मानवता जिसके कारण पीड़ित है, उसके लिए ये बात उन्होंने बताई कि जो हाथों में बंदूक है उस हाथों में हम कोई कला दे दें, हम कोई खेती किसान का हल दे दें या कोई और चीज दे दें जिससे इस मनुष्य जाति का नाश है वो रुक सके। मेरी मान्यता ऐसी है कि इस समय में मनुष्य जाति को बचाने वाला या उसका संहार करने वाले एक ही बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात वो शिक्षण है। जैसे हम इसी शिक्षण वो आईटी एक्सपर्ट पैदा कर सकते हैं और इसी शिक्षण जिसमें आईटी पढ़ने वाला आतंकवादी भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षण के पास आत्मबल के सृजन के भी ताकत है और इसी शिक्षण के पास अनुभव बनाने का भी बड़ा सामर्थ्य है और इसीलिए अब ये समय में और इस विश्व में हम बहुत परिवर्तन के युग से जा रहे हैं। हमारे सारे मूल्य वो द्रावण पात्र में है और जैसे समाज की बात करें, जैसे अपने संबंधों की बात करें, जैसे बुजुर्गों के आदर की बात करें या हम धर्म और अध्यात्म की बात करें, ये सब अभी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। हमारे जीवन में इनका प्रभाव भी कम हो रहा है और अभी हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव हमारी ये पीढ़ी और अगली पीढ़ी में होगा तो शिक्षण का प्रभाव होगा और इसी का कारण शिक्षण की जो दशा होगी वही मनुष्य की दिशा निश्चित करेगी। और आज हम सब देख रहे हैं कि मानवीय टेक्नोलॉजी के साथ में बहुत तेजी से दौड़ रहा है और इसी के कारण हम मानते हैं कि एक ऐसा यज्ञ चल रहा है जैसे पुराने जमाने में दक्ष महायज्ञ था और दक्ष यानी स्किल। आज ये स्किल का यज्ञ चल रहा है, आदमी टेक्नोलॉजी में आगे से आगे जा रहा है, मगर हम उसी बात से जान सकते हैं कि उस यज्ञ में, उस दक्ष महायज्ञ में एक व्यक्ति को बुलाया नहीं गया, वो थे शिव यानी कल्याण। आज ये टेक्नोलॉजी के यज्ञ में यदि हम शिव को नहीं बुलाएंगे, यदि हम मानव जाति के कल्याण को नहीं बुलाएंगे तो उस यज्ञ का जो परिणाम आया था उसमें संहार हुआ था, उसी प्रकार आज ये संहार होगा। तो हम देख रहे हैं कि अभी मुझे ये वामन अवतार का एक स्मरण होता है कि जैसे वामन, हम जानते हैं कि उसने पहला पग, वो वामन अवतार में हम देखते हैं कि उसने पहला पग अपनी पृथ्वी पर रखा। आदमी ने भी अपना पहला पग अपनी पृथ्वी पर लिखा और ये सारी पृथ्वी के संपत्ति का नाश क्रमशः करते जा।
उसने दूसरा पद अपने आकाश में रखा और उसके दूसरे पांव के कारण आज आदमी ने आकाश में क्या किया है वो हम सब ओजोन लेयर और उस बातों से परिचित हैं। और अब तो कुछ बारिश आएगी तो हम देखेंगे नहीं, क्योंकि हम देख ही नहीं सकेंगे, वो एसिड रेन होगा, इसलिए बारिश देखने का कोई सवाल ही नहीं आता है। अब तीसरा जो पांव था उसने उसके सीट पर रखा, आज आदमी ने अपने सर्वनाश का पांव अपने सीट पर रखा है, जैसे भस्मासुर ने किया था। भस्मासुर ने अपना ही हाथ अपने मस्तक पर रखा था और स्वयं नाश हो गया। इसी प्रकार आज ये शिक्षण की ये गति हमें कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है कि बच्चों के मन में कितनी हिंसा है, कभी सोचिए? उनके वीडियो गेम से हिंसा का प्रारंभ होता है। उनके हम आगे जाके देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भौतिक प्राप्ति की लालसा होती है, और इसलिए मैं मानता हूं कि इस युग में सबसे बड़ा आघात हुआ है शिक्षण को, जिसकी सबसे बड़ी जरूरत है वो है मानवीय संवेदना। आज हम युद्ध के बारे में सुनते कुछ नहीं होता है, इसके 50 गए, इसके 100 गए, ठीक है, सब चलता रहेगा। इसलिए मानवीय संवेदना का जो नाश हुआ है और उस विनाश के साथ हमारे मूल्यों की जो परिस्थिति है, इसके बारे में सोचना चाहिए। इसलिए मानवीय अस्तित्व, उसकी सृजनात्मकता और उसकी संवेदनशीलता, इन तीन चीजों की आज शिक्षण में बड़ी आवश्यकता है। ज्ञान मत रखे, माहिती को सिर्फ माहिती मत रखे, उसको उसका प्रज्ञा में रूपांतर कर। इसी प्रकार हम विज्ञान की इन्वेंशन में बहुत तोच पर शिखर पर पहुंच गए, मगर उसके साथ में हम अपनी प्रज्ञा को कहां तक पलट गए, उसके साथ में हमने अपनी संवेदना को किस प्रकार तैयार किया है, किस प्रकार हमारी संवेदना हमारे भीतर में है। जैसे उन्होंने आत्मज्ञान की बात की, वो आत्मज्ञान यहाँ आता है। रशिया का प्रसिद्ध नॉवेलिस्ट मैक्सिम गॉर्की रशिया के गांव में जाता है और उस कहता था, कभी देखिए कैसा शिक्षण आ गया है, आदमी कुछ थोड़े समय में आकाश में वायुयान में दौड़ेगा। उसने कहा, देखिए अब कैसा शिक्षण आ गया है, आदमी बड़े से बड़े गहरे से गहरे सागर के भीतर में जाएगा। तब गांव में एक बुजुर्ग ने, अनुभवी बुजुर्ग ने उससे पूछा कि मिस्टर गॉर्की, आप ये आकाश के शिक्षण के बारे में बात बता रहे हैं, आप ये जो दरिया के भीतर में जाने वाले शिक्षण की बात बता रहे हैं, कुछ ये तो बात बताइए कि आदमी इस धरती पर किस शिक्षण से आगे चलेगा। तो इस धरती के शिक्षण की जो बात है वो हम आज देख रहे हैं, और इसीलिए ये शिक्षण जिसमें वंचितों और गरीबों को आज हम भूल गए हैं, जैसे शिक्षण दिया मगर उसको रोजगार नहीं मिलता है। आज हम देखते हैं कितने लोग बिना रोजगार कहां से कहां चले जाते हैं और उनका सारा जीवन ऐसा हो जाता है। आज डॉक्टर करण सिंह ने जो कहा कि धर्म को किस प्रकार से देखना चाहिए, और आज 1993 में शिकागो की विश्व धर्म परिषद में प्रारंभ में रेड इंडियन ने एक गीत प्रस्तुत किया था, और उस गीत में रेड इंडियंस ने कहा कि हमें क्यों परेशान करते हो, हमने तुम्हारी कोई भूमि नहीं ली है, हमने तुम्हें कुछ नहीं किया है और तुम हमारी सारी जमीन ले रहे हो। तो ये जो एक बात है, जो जिसके पास है वो जिसके पास नहीं है उसका छीन रहा है, उसकी जो वेदना है वो आज के समय की वेदना है। इसी के बाद दूसरी कैप्टाउन में परिषद हुई, उस परिषद में प्रार्थना थी और उस प्रार्थना में कहा गया कि हे ईश्वर, इस जगत को तुम एड्स से मुक्त करो, क्योंकि हमारे अफ्रीका में प्रतिदिन 25,000 लोग ये एड्स से ग्रस्त होते हैं। तो आज धर्म का स्वरूप बदल गया है, अब धर्म वो मंदिर की ओर नहीं देखता है, मानव की ओर देखता है, और इसी के कारण ये शिक्षण, वो जिसको हमारे यहाँ दर्शक कहते थे चेतनानी खेती छवी हुई है, और इसी के कारण मैं मानता हूं कि अब हमें सिद्धि के आनंद के बजाय लक्ष्य की स्पष्टता करना है। ये सिद्धि तो बहुत आ गई हमारी, चांद पर भी पहुंच गए, सब जगह पहुंच जाएंगे, मगर हमारा लक्ष्य क्या है? और सोक्रेटिस ने एक जगह बहुत अच्छा कहा है
कि समाज की क्या व्याख्या है। उसने कहा कि जिसके पास सच्ची समझ होती, जिसके पास सच्ची सोच होती, जिसके पास सच्चे विचार होता वो समाज, और अन्यथा वो मॉब है, वो टोलूच है। तो इसी कारण जैसे विक्टर ह्यूगो ने लिखा है जगह पर कि बड़े बड़े लश्करों की ताकत के बजाय तुम्हारे पास एक सच्चे समय का, अच्छे समय का, योग्य समय का संकल्प होना चाहिए। और शिक्षण इस संकल्प की बात कहते हैं। और हम जानते हैं कि हमारे पास जैसे आकाश की बात की, जैसे पर्यावरण की बात की, तो आप देखिए पहले कभी किसी ने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सोचा नहीं था। अभी आज कार्बन डाइऑक्साइड में थोड़ा परिवर्तन होता है तो सारी जलवायु पलट जाती है। और इसी के कारण 1980 तक एशिया में प्रति वर्ष 68 जितनी घटनाएं कुदरती आपत्ति की होती है। 2010 में जो प्रतिवर्ष इतनी होती थी 68 होती थी, वो 2010 में एशिया में 250 कैलेमिटीज हुई। आज तो 250 से भी हम आगे निकल गए होंगे, 300 तक पहुंच गए होंगे। तो ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसके मूल में जो मानवीय है, तो इस प्रकृति की बात तो ये है। मैं कहता हूं कि मेरा ये प्रवचन पूरा होगा, मेरे ये समापन इतने समय में, एक जमाना था इसके पहले का जमाना जब प्रति 10,000 वर्ष के भीतर एक प्राणी या पक्षी की जाति नष्ट होती है। और अभी मेरा ये प्रवचन पूर्ण होगा पर एक प्राणी या पक्षी की जाति नष्ट हो गई, सिर्फ प्रवचन के दरमियान, सिर्फ 20 मिनट के अंदर ये घटना होगी। तो आज हमारे सामने प्रश्न ये है कि हम जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको ययाति संस्कृति दे जाएंगे, सब हम ही उपभोग करेंगे, और उसको एक बूढ़ी दुनिया दे जाएंगे जिसमें कुछ है नहीं। तो ये चीज धर्म और धर्म के बारे में जो उन्होंने बताया, धर्म का मेघ धनुष देखना चाहिए। और इसीलिए आज धर्म ये व्यक्ति के प्रश्नों की ओर उसको ज्यादा देखना चाहिए। इसी प्रकार निरक्षरता का निवारण, स्त्रियों का स्थान, ऐसी सब बात ये शिक्षण में है। और इसी कारण अभी धीरे धीरे ये विश्व में जो रोबोटाइजेशन होता है, आदमी रोबोट जैसा हो गया है। मगर अब रोबोट की भी बहुत अच्छी स्थिति है आदमी से, क्योंकि जो लोग रोबोट को अपने काम में रखते हैं वो रोबोट 24 घंटा काम करता है, 24 आवर्स काम करता है, आदमी तो सिर्फ 8 घंटा काम करता है। और वो रोबोट कभी आपसे पीएफ नहीं मांगता है, प्रोविडेंट फंड नहीं मांगता है, ग्रेच्युटी नहीं मांगता है, ओवर टाइम तो होता ही नहीं। तो धीरे धीरे ये आदमी की सीकल ये रोबोट में बदल रही है। और इसी के कारण आज के विश्व में सबसे ज्यादा आवश्यकता मूल्य शिक्षण की है। मूल्य से इतना जैसे जैसे श्रीमद भगवद गीता ने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि अशांति में से शांति, शांति में से प्रशांति, प्रशांति में से पौष्टिक की शांति, और बात परम शांति। तो ये मूल्यों को ठीक तरह से देने से ये हमारे शिक्षण की उन्नति होती है। 175 साल पहले मैकोले ने जो शिक्षण प्रथा दी थी, उसी शिक्षण प्रथा, बड़ी लोकसैनिक शिक्षण प्रथा, उसमें सिर्फ एक सर्वांगी विकास नहीं था। आज ये सर्वांगी विकास की जरूरत है, और ऐसे सर्वांगी विकास की जिसकी विभावना थी, ऐसे रामलाल भाई परीख की स्मृति को वंदन करके मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार। आभार कुमार।